वाह फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। सेलफोन यूज करने वाला हर एक आदमी अपराधी है। आई एम चिट्टी 2.0। वेल फ्रेंड्स, यस मेरा भाई, आज के एपिसोड में बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं रोबोट 2.0 को लेकर। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारे जो फैंस हैं, नहीं के इंडिया में बल्कि अब्रॉड जितने भी रजनी सर के फैंस हैं और अक्षय कुमार के फैंस हैं, उनको ये बात बहुत सता रही है कि एक फिल्म जो कि ऑलमोस्ट 550 करोड़ की बनाई हुई है और रजनीकांत जी ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 600 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है कि मेरी फिल्म 600 करोड़ के बजट की है, वो आखिर हिट होने के लिए उसे कितना कमाना होगा और क्या ये 600 करोड़ रुपए भी रिकवर हो जाएंगे। तो गाइज, आपको बता देना चाहता हूं, लाइका प्रोडक्शंस और सुभाष करण जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है और गाइज उन्होंने पहले से अपने आप को इस प्रोजेक्ट में सेफ कर लिया है। यानी कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा भी नहीं हुआ तो इसके जो प्रोड्यूसर्स है लाइका और सुभाष करण, इनको फायदा होगा और गाइज इनको नुकसान नहीं होगा। अब वो कैसे गाइज, चलिए आज के एपिसोड में आपको बताता हूं। वेल गाइज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस फिल्म का, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर, वो ऑलरेडी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को बेच दिया गया है। यस फ्रेंड्स, इट हैज बीन सोल्ड। तो जो भी है प्रॉफिट जो होगा वो प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलेगा और जो लॉस होगा वो भी प्रोड्यूसर्स को नहीं होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर किंग भी बन सकता है और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा भी हो सकता है, लेकिन गाइज प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। बात करें तमिलनाडु की और ओवरसीज की, तो गाइज तमिलनाडु का जो कलेक्शन आएगा वो पूरा का पूरा इसके जो प्रोड्यूसर्स है उसकी झोली में जाएगा और जो ओवरसीज का भी कलेक्शन है वो भी पूरा का पूरा इसके प्रोड्यूसर्स की झोली में जाएगा। और गाइज मुझे लगता है इसका जो डिजिटल और सैटेलाइट राइट है, ये सब चीजों को मिलाकर और 7 दिनों में ये फिल्म अपना पूरा का पूरा रिकवरी, यानी कि 550 से 600 करोड़ रुपया प्रोड्यूसर अपना कमा के घर पे आराम से बैठेगा, उसके बाद जो आएगा वो ओवरफ्लो होगा। तो चलिए मैं आपको आज इकोनॉमिक्स बताता हूं 2.0 का प्रोड्यूसर्स के लिए। सो गाइस, इस फिल्म का जो बजट है वो ऑब्वियसली 550 करोड़ रुपया बताया गया है और उतना ही है इसका बजट। अब गाइस इसका जो डिजिटल राइट है, यानी कि तमिल, तेलुगु और हिंदी, अब ये किसको बेचा गया है, मुझे लगता है अमेज़न प्राइम को बेचा गया है। इसका जो भाव है वो है 60 करोड़ रुपया। यस मेरा भाई, 60 करोड़ रुपीज में इस फिल्म का जो डिजिटल राइट है वो बेच दिया गया है। अब बात करें फिल्म के सैटेलाइट की, डिजिटल और सैटेलाइट में फर्क ये होता है, डिजिटल आपके मोबाइल पे यानी कि जो एप्स रहते हैं नेटफ्लिक्स Amazon, उसे डिजिटल कहा जाता है, और सैटेलाइट यानी कि टीवी पे, यानी कि अगर ये टीवी, ये मूवी सन टीवी पर आएगी या जी सिनेमा पे आएगी या मार टीवी में, तेलुगु में आएगी, तमिल में आएगी, वो सैटेलाइट राइट होता है। और अगर इसके जितने भी वर्जन रिलीज होने वाले हैं सबका जो सैटेलाइट है वो 120 करोड़ रुपए में बिक चुका है। अब गाइस बात करें नॉर्थ बेल्ट की, यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया की, तो ये फिल्म एडवांस बेसिस पे यानी कि पहले से ही 80 करोड़ रुपए में बिक चुकी है हिंदी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब इसका क्या रिकवरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यू नो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बता देता हूं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको बहुत अच्छा प्राइस मिला है, 70 करोड़ रुपया का प्राइस मिला है, जो कि बड़ी बड़ी तेलुगु फिल्म्स को भी नहीं मिलता है। कर्नाटका में ये फिल्म 25 करोड़ में बिकी है और केरल में, यानी केरला में 15 करोड़ में बिकी है। तो गाइस जो टोटल रिकवरी है 550 करोड़ में से, उसमें से 370 करोड़, यस फ्रेंड्स, 370 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन अक्वायर्ड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स हु आर लुकिंग वेरी सेफ विद दिस मूवी। वेल फ्रेंड्स, यहां पर जो आंध्र, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक है वो सीधा सीधा बेच दिए गए हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करेंगे लाइका के साथ। और गाइज जो प्रॉफिट रहेगा जो नॉर्थ का है, यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया का, यानी कि मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ले लो, यहां पर जो प्रॉफिट रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर का वो उन लोग शेयर करेंगे लाइका के साथ। वो परसेंटेज कितना होगा ये पहले हफ्ते के बाद पता चलेगा। यहां पर एक बात बता दूं, अगर ये फिल्म 130 करोड़ रुपया कमाती है तब हिंदी वर्जन में ये फिल्म एक हिट डिक्लेयर हो जाएगी और उसके बाद जो भी है उसका जो परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वो डिसाइड होगा। लेकिन गाइज यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु और ओवरसीज में से आखिर इन प्रोड्यूसर्स को कितना मिलेगा। वेल फ्रेंड्स, तमिलनाडु में इसे कमाने के ऑलमोस्ट 100 करोड़ के चांसेस है, क्योंकि गाइज
सरकार ने यहाँ पर तमिलनाडु में 75 करोड़ का बिजनेस किया था, तो रोबोट 2.0 से जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। 75 करोड़, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था, यानी कि इस फिल्म ने ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डबल बोल सकता हूँ, 125 से 130 करोड़ का बिजनेस किया है। और रोबो को मद्देनजर रखे तो गाइस वो भी 150 करोड़ तक का बिजनेस करेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर रहेगा वो ऑलमोस्ट 80 to 85 करोड़ रहेगा। अगर ये हो जाता है तो सिर्फ तमिलनाडु में ही ये एक इंडस्ट्री हिट बन जाएगी। अब गाइस बात करें ओवरसीज की, तो यहाँ पर 10 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइस ऑलमोस्ट 170 करोड़ में और अगर ऐड कर दूं 370 में, तो गाइस पूरा का पूरा जो प्रोड्यूसर्स का पैसा है ये उनको किसी भी हाल में वापस आ जाएगा, डिस्पाइट द फिल्म बीइंग बैड। अगर पिक्चर खराब भी होती है गाइस, तो ये फिल्म अपना पैसा वसूल कर लेगी प्रोड्यूसर्स के लेवल पर। जस्ट इमेजिन अगर ये फिल्म हिट होती है तो कितना मुनाफा आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइस जितने लोग भी सोच रहे हैं कि रोबो 2.0 अगर फ्लॉप हो जाती है तो क्या ठग ऑफ हिंदुस्तान जैसा यशराज का जो दिवाला निकला है इसका निकलेगा, तो मेरा जवाब है नहीं। ये ऑलरेडी एक प्रॉफिट जोन में बैठे हुए हैं। अब ये फिल्म अगर अच्छी नहीं होती है तभी भी इनका पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर ये फिल्म अच्छी होती है तो गाइस स्काई इज द लिमिट, 1000 करोड़ के ऊपर एनी अमाउंट इन्हों को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो गाइस आई होप ये एपिसोड पसंद आया है, बहुत मेहनत लगी गाइस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जितना हो सके लाइक करो, अक्षय के फैंस जितना हो सके इसे शेयर करो, इवन रजनी सर के फैंस, लोगों को पता चलना चाहिए और लोगों को ये अवेयरनेस आना चाहिए कि ये फिल्म जाके थिएटर में देखिए। ओके गाइस, मियां मान अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, कुकू रोबो।